पार्टी से बगावत की जसवंत सिंह को मिली सजा, 6 साल के लिए बीजेपी ने पार्टी की सदस्यता से किया निष्कासित। बाड़मेर सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे जसवंत सिंह, पार्टी ने दिया था कर्नल सोनाराम को टिकट। सीकर सीट पर बगावत करने वाले सुभाष महरिया पर भी हुई कार्रवाई, 6 साल के लिए हुए निष्कासित। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के विशेष आमंत्रित सदस्य थे सुभाष महरिया, राजस्थान की सीकर सीट से निर्दलीय लड़ रहे चुनाव। शनिवार को था नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन, नामांकन वापस न लेने पर पार्टी ने की कार्रवाई। राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष अशोक परनामी ने की थी कार्रवाई की सिफारिश, पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने लिया फैसला। आडवाणी और वाजपेयी के बेहद करीबी रहे जसवंत सिंह, एनडीए सरकार में संभाला रक्षा और विदेश मंत्रालय। साल 2009 में भी पार्टी से निष्कासित हुए थे जसवंत, अपनी किताब में जसवंत सिंह ने की थी जिन्ना की तारीफ। राजस्थान की बाड़मेर सीट से पहुंचते रहे लोकसभा, टिकट न मिलने के बाद बागी हुए थे जसवंत सिंह। बाड़मेर सीट से कर्नल सोनाराम के नाम की वसुंधरा राजे ने की थी सिफारिश, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं सोनाराम। मिशन 272 प्लस के लिए नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र और कर्नाटक में करेंगे ताबड़तोड़ 5 रैलियां। महाराष्ट्र में अमरावती, अकोला और नांदेड़ में मोदी की रैली, अमरावती में 10 बजे, 11:30 बजे अकोला और 1:30 बजे नांदेड़ में रैली। नांदेड़ में मोदी के निशाने पर हो सकते हैं कांग्रेस के उम्मीदवार और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण। आदर्श घोटाले के चलते गई थी चव्हाण की कुर्सी, दागी होने के बावजूद कांग्रेस ने दिया टिकट। कर्नाटक के बीजापुर और बेलगाम में दहाड़ेंगे मोदी, बीजापुर में 4:15 बजे और बेलगाम में 6:15 बजे मोदी की रैली। चंडीगढ़ की रैली में छलका नरेंद्र मोदी का, दिया आत्मविश्वास भाषण देते हुए खुद को बताया भविष्य का पीएम। मोदी ने कहा, चंडीगढ़ से मेरा पुराना नाता, इस शहर को यहां के नुमाइंदों से ज्यादा जानता है भविष्य का पीएम। यहां के जनप्रतिनिधि आपका जितना जानते होंगे, भविष्य का प्रधानमंत्री उससे ज्यादा आपको जानता होगा। मोदी ने बोला, राहुल गांधी और पवन बंसल पर हमला, रेल घोटाले के आरोपी पवन बंसल हैं चंडीगढ़ से कांग्रेस के उम्मीदवार। अनुपम खेर की पत्नी और बॉलीवुड अभिनेत्री किरण खेर हैं चंडीगढ़ से बीजेपी उम्मीदवार। दिल्ली के करोल बाग में आज सोनिया की रैली, खोई सियासी जमीन पाने की होगी कोशिश। करोल बाग के अजमल खान पार्क में होगी रैली, शाम 4 बजे होगी रैली। दिल्ली की 7 सीट के लिए 10 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट, 4 महीने पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली थी करारी हार। अरविंद केजरीवाल के हरियाणा में रोड शो का 3रा दिन, दोपहर 3 बजे तक चंडीगढ़ में रहेंगे केजरीवाल। केजरीवाल चंडीगढ़ से पानीपत और सोनीपत होते हुए आज दिल्ली पहुंच जाएंगे। चौबीस घंटे में मुरझाया साबिर अली का कमल, बीजेपी ने साबिर अली की सदस्यता रद्द की। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने सदस्यता रद्द करते हुए किया ऐलान, कहा पार्टी में हो रहा था विरोध। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह जी ने श्री साबिर अली की सदस्यता को निरस्त करने का निर्णय किया है। पार्टी ने साबिर अली का विरोध करने वालों को भी दी चेतावनी, कहा पार्टी फोरम पर ही होना चाहिए विरोध। कि पार्टी के कार्यकर्ता या पदाधिकारी इस संबंध में आज जो कुछ सार्वजनिक वक्तव्य आए हैं, इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत गंभीर संज्ञान लिया है। साबिर अली को लेकर बीजेपी से उठे 2 तरह के सुर, गडकरी ने किया समर्थन लेकिन बलबीर पुंज थे खिलाफ।
उनका जो इतिहास है, राजनीतिक इतिहास है, और उनकी जो छवि रही है वो भारतीय जनता पार्टी के चरित्र और चेहरे के साथ बिल्कुल मेल नहीं खाती, पार्टी को इस निर्णय को वापस लेना चाहिए। साबिर अली ने मुख्तार अब्बास नकवी पर साधा निशाना कहा, मेरे आने के बाद अपनी पोजीशन को लेकर चिंता में थे नकवी। साबिर अली ने कहा मुख्तार अब्बास नकवी पर ठोकेंगे मानहानि का मुकदमा। लेकिन जो मुझ पे आरोप लगाया मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने, मुझे उस पे जरूर कहना है। एक तो सबसे पहले मैं उस पे उनके ऊपर डिफर्मेशन का केस में करूंगा। साबिर अली के मसले पर दिग्विजय सिंह ने भी बीजेपी को घेरा, कहा नकवी का ट्वीट करना घातक है। मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने जो ट्वीट किया वो बहुत ही खतरनाक ट्वीट था। भरदवान में टीएमसी दफ्तर में हुआ हमला, 6 बम फेंके जाने के बाद दफ्तर पूरी तरह तहस नहस। टीएमसी दफ्तर पर हुई बमबारी में 3 कर्मचारी घायल, वर्धमान मेडिकल कॉलेज में हुए भर्ती। रात करीब 9 बजे हुआ टीएमसी दफ्तर पर हमला, दफ्तर में कई लोग थे मौजूद, बम की आवाज सुनकर आए बाहर। सीपीएम और टीएमसी के बीच पहले भी हुई हिंसक झड़प, बमबारी के लिए भी सीपीएम पर इल्जाम। हमले के काफी देर बाद मौके पर पहुंची पुलिस, हालात का लिया जायजा। बीजेपी के पूर्व विधायक के भाषण से मचा बवाल, विधायक साहब ने कहा सुषमा को पीएम बनते देखना चाहता हूं। दिल्ली कैंट में चल रही थी चुनावी सभा, मीनाक्षी लेखी के समर्थन में रैली करने आई थी सुषमा। कोई पीएम कह रहा है, भाग्य का कोई भरोसा नहीं होता, कल को पीएम भी हो सकती है। मैं तो साफ बात कहता हूं, भाग्य का कोई भरोसा नहीं होता। अमर सिंह ने केजरीवाल पर साधा निशाना, राखी सावंत को बताया केजरीवाल से बेहतर। कि केजरीवाल जी स्वाभाविक सहज अभिनेता नहीं है, कि केजरीवाल जी स्वाभाविक सहज अभिनेता नहीं है। अजमेर में आप उम्मीदवार अजय सोमानी पर आप कार्यकर्ताओं ने फेंकी स्याही, नामांकन वापस लेने से नाराज थे कार्यकर्ता। अजय सोमानी ने लौटाई आपकी टिकट, नामांकन लिया वापस, कार्यकर्ताओं का आरोप किसी दूसरी पार्टी से हुई सोमानी की डील। आप नेता किरण शेखावत ने फेंकी सोमानी पर स्याही, किरण शेखावत भी थी टिकट की दावेदार। आम आदमी पार्टी को लगा झटका, एटा से उम्मीदवार दिलीप यादव ने लौटाई टिकट, पार्टी की सदस्यता भी छोड़ी। कहा मुद्दों से भटक गई आम आदमी पार्टी, केजरीवाल से मिलने की कोशिश की पर नहीं हो पाई मुलाकात। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेता मोतीलाल साहू ने दिया कांग्रेस को झटका, बीजेपी में हुए शामिल। मोतीलाल साहू के साथ सैकड़ों बीजेपी का कार्यकर्ता बीजेपी में हुए शामिल, रमन सिंह ने दिलाई सदस्यता। महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले प्रवीण कुमार ने की राहुल गांधी की तारीफ, एक दिन पहले ही छोड़ी आम आदमी पार्टी। मैं सिब्बल साहब ने कहा है, मैं उस पर एक दिन की बुलत मांगी है, लेकिन मैं क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा मन इनके साथ चलेगा। टीएमसी चीफ ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव आयोग को मिली शिकायत, सीपीआईएम ने दर्ज कराई शिकायत। ममता बनर्जी पर जनसभा के दौरान सीपीआईएम और बीजेपी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल का है इल्जाम। नवदुर्गा के मंत्र में मोदी का नाम जोड़े जाने का वाराणसी में हुआ विरोध, एसपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। एसपी कार्यकर्ताओं ने मोदी को महिषासुर रूप देकर गंगा में किया प्रवाहित, मोदी के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने तेज किया चुनाव प्रचार, घर घर जाकर लोगों से मांग रही है वोट।
बाबा रामदेव ने सादा कांग्रेस पर निशाना कहा, आने वाले चुनाव में 50 से 60 सीट पर सिमट जाएगी कांग्रेस। वह गुस्सा, वह आक्रोश अब एक बगावत के रूप में देश में देखने को मिल रहा है। और आश्चर्य की बात नहीं होगी कि कांग्रेस 50-60 सीटों में ही सिमट जाए। केजरीवाल को भी मिल गया डुप्लीकेट कैथल के रापड़िया का, फायदा उठाएगी आप प्रचार के लिए भेज सकती है वाराणसी। राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना आमिर रशीद मदनी का ऐलान, आजमगढ़ से मुलायम के खिलाफ लड़ेंगे चुनाव। मदनी का बयान, जब जब आई है एसपी की सरकार यूपी में मुस्लिमों का हुआ है उत्पीड़न। दिल्ली में रफ्तार का कहर, हादसे में पुलिस कांस्टेबल की मौत, एक और शख्स हुआ घायल। मॉडल टाउन इलाके में नानक प्याऊ गुरुद्वारे के पास हुआ हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। राजस्थान के अलवर का रहने वाला था कांस्टेबल, बाइक चला रहे युवक से ली थी घर पहुंचने के लिए लिफ्ट। बाइक को टक्कर मारने वाला था ट्रक था दिल्ली एमसीडी का ड्राइवर, हिरासत में, पुलिस के कब्जे में ट्रक। दिल्ली के मॉरिस नगर थाने में हत्या के आरोपी, दो युवक गिरफ्तार, गर्लफ्रेंड को डेट करने के शक में की दोस्त की हत्या। साउथ दिल्ली के हौज खास में 40 साल की महिला से गैंगरेप, 3 लोगों पर रेप का आरोप। 3 युवक महिला की पहचान के, बताया जा रहा है कि एनजीओ चलाती है महिला। मामले की जांच में जुटी पुलिस, अभी तक 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। लगातार बरसात के बाद हुई लैंडस्लाइडिंग में रामबाण के 13 घरों समेत 32 बिल्डिंग ध्वस्त। सेना ने शुरू किया राहत और बचाव का काम, आसपास के इलाकों को भी खाली कराया गया। दिल्ली एनसीआर का 1 घंटा रहा धरती के नाम, 8:30 से 9:30 बजे के बीच बंद रखी गई तमाम गैर जरूरी लाइट। इंडिया गेट की तमाम लाइटें रही 1 घंटे तक बंद, दुनिया के कई हिस्सों में इसी तरह मनाया गया अर्थ आवर। रैंकिंग के साथ धोनी की कमाई में आई है गिरावट, पिछले साल से कम जमा कराया है इस साल टैक्स। आयकर विभाग को धोनी ने जमा कराए 20 करोड़ रुपए बतौर टैक्स, पिछले साल जमा कराए थे पूरे 22 करोड़। बिहार झारखंड में अभी भी सबसे ज्यादा व्यक्तिगत टैक्स जमा करने वाले नागरिक बने हैं माही। मिशन वर्ल्ड T20 में आज ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी टीम इंडिया, मीरपुर में शाम 7 बजे शुरू होगा मुकाबला। टूर्नामेंट में अब तक जीत के रथ पर सवार है टीम इंडिया, सेमीफाइनल में पहले ही हो चुकी है जगह पक्की। ऑस्ट्रेलिया के लिए करो या मरो का मुकाबला, आज हारते ही हो जाएगी सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर। ऑस्ट्रेलिया के हाथ अब तक है खाली, टूर्नामेंट में खेले गए 2 मैच हारकर कंगारू के हौसले हैं पस्त। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज से ऑस्ट्रेलिया का नंबर है 4, पॉइंट्स टैली में 4 नंबर पर है टीम ऑस्ट्रेलिया। वर्ल्ड T20 में आज पाकिस्तान और बांग्लादेश की भिड़ंत होगी, ऑस्ट्रेलिया की भी रहेगी मुकाबले पर नजर। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराया तो ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदें हो जाएंगी खाक, सेमीफाइनल में पहुंचना होगा नामुमकिन। शनिवार को हुए मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को 3 रन से हराकर सेमीफाइनल में पक्की की जगह। दक्षिण अफ्रीका ने पहले खेलकर बनाए थे 196 रन, जवाब में 193 रन ही बना पाए। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एबी डी विलियर्स बने मैन ऑफ द मैच, केवल 28 गेंदों पर खेली 69 रनों की तूफानी पारी। मलेशियाई विमान MH370 के मलबे की तलाश जारी है, सैटेलाइट से मिली तस्वीरों के आधार पर नए सिरे से हो रही है तलाश। अब तक पहचान में आई कोई भी तस्वीर करीब जाने पर नहीं मिली फ्लाइट के मलबे जैसी, कोशिशें जारी। ब्राजील में जेट प्लेन की करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग, महज पिछले पहियों पर ही प्लेन ने की लैंडिंग। प्लेन में थे 5 क्रू मेंबर और
39 पैसेंजर सभी यात्री और क्रू मेंबर्स सुरक्षित। चिली में यंग कोमेंटेंट डे पर प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच भिड़ंत हो गई। घंटों तक सड़कों पर चलता रहा संग्राम।